सस्सी शहर भंभूर के एक हिंदू राजा की बेटी थी। इसकी पैदाइश पर शाही तोहम परस्त ज्योतिषों ने इसको राजा के तख्त और ताज के लिए मनहूस करार दिया था। इसलिए राजा के हुक्म पर इसको लकड़ी के संदूक में डालकर सिंध दरिया में डाल दिया गया। संदूक बहते बहते एक धोबी घाट पर पहुंचा और एक बेऔलाद धोबी जोड़े ने सस्सी को गोद ले लिया। सस्सी जब बड़ी हुई तो अपने हुस्न में यकता थी और आहिस्ता आहिस्ता सस्सी के हुस्न के चर्चे हर सू फैल गए। कीच मकरान बलोचिस्तान का मीर पुन्नू भी सस्सी की खूबसूरती के चर्चे सुनकर कपड़े धुलवाने के बहाने भंभूर शहर में इसके वालिद के पास पहुंच गया और जब उसकी पहली नज़र सस्सी पर पड़ी तो वह अपना दिल इसके कदमों में हार बैठा। सस्सी का वालिद उसकी शादी अपने धोबी बरादरी में कराना चाहता था, मगर सस्सी के वालिद के इसरार पर पुन्नू ने कपड़े धोए। नाज नखरों में पला पुन्नू भला कपड़ों की धुलाई के बारे में क्या जानता था। उसने जैसे तैसे कपड़े तो धोए, मगर वो जानता था कि ये कपड़े किसी को भी धुले हुए नहीं लगेंगे। पुन्नू ने हर कपड़े की जेब में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया। यूं जो भी अपने धुले कपड़े लेता पुन्नू की तारीफ के कलाबे मिलाता। ये देखकर सस्सी का बाप रिश्ते के लिए मान गया। दूसरी तरफ पुन्नू के भाई उसे तलाश करते करते भंभूर शहर पहुंच गए और उन्होंने पुन्नू को अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश की, मगर वो अपने इश्क में ऐसा दीवाना हो चुका था कि उनके साथ जाने को राजी नहीं हुआ। तो उन्होंने मकरूह और फरेब का एक जाल बिछाया और पुन्नू से कहा कि वो उसकी शादी करने को तैयार हैं। शादी की तकरीब में सस्सी और पुन्नू को एक खुश जायका मशरूब पिलाया गया। मशरूब पीकर सस्सी और पुन्नू दोनों बेहोश हो गए। पुन्नू के भाइयों ने पुन्नू को बांध कर ऊंट पर सवार किया और अपने शहर की तरफ भाग गए। जब सस्सी की आंख खुली तो वो वीराने में अकेली पड़ी थी। वो पुन्नू का नाम पुकारती हुई उसकी तलाश में चल पड़ी। इस हाल में उसे एक चरवाहा मिला। सस्सी ने उस चरवाहे से पीने के लिए पानी मांगा। चरवाहे ने दुल्हन बनी एक हसीन शहजादी को देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई। रवायत के मुताबिक सस्सी ने उस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदा से फरियाद की तो उसी वक्त ज़मीन शिक हो गई और सस्सी को अपने अंदर खींच लिया। सस्सी तो ज़मीन में दफन हो गई, लेकिन उसके दुपट्टे का एक कोना बाहर रह गया। उधर पुन्नू को होश आया तो वह सस्सी का नाम पुकारते हुए उसकी तलाश में वापस इस रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसे चरवाहा मिला जो अजीब बदहवासी में ज़मीन की मिट्टी में हाथ फेर रहा था। इसी दौरान पुन्नू को सस्सी के दुपट्टे का कोना भी ज़मीन से निकला हुआ नज़र आया। पुन्नू किसी तरह चरवाहे को हवास में ले आया और उसके इस्तफसार पर चरवाहे ने पुन्नू को सारा माजरा सुनाया, जिसे सुनकर पुन्नू ने रोते हुए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फिर देखते ही देखते ज़मीन एक बार फिर शक हुई और इस मर्तबा पुन्नू को भी निकल गई। यूं सस्सी पुन्नू ज़िंदगी में तो ना मिल सके, लेकिन वो मर कर एक ही कब्रिस्तान में दफन होकर अमर हो गए। चरवाहे ने इस मुकाम पर पत्थर रख कर उनकी कब्र की निशानदेही की। सस्सी और पुन्नू का मज़ार वंदर लसबेला में वाकिया है और इश्क की इस दास्तान को बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज में खूबसूरती से बयान किया है।